हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। हाँ, और संडे वाला जय यीशु। सर जी अभी नाइट शिफ्ट से आए हैं और वो मतलब फ्रेश हो रहे हैं गिरजा जाने के लिए, है ना। और मैं रेडी हूँ, तो चलिए आज संडे वाला रूटीन रहेगा। और अभी चर्च जा रहे हैं, चर्च से आने के बाद और क्या क्या करेंगे आप लोग बने रहिएगा। चलिए बने रहिए। गिरजा खत्म हो गई है और आज हमारे पारिस में चार संतों का पर्व मनाया जा रहा है ना। तो अभी दिखलाएंगे, उधर बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है और अभी तैयारियां चल रही है फादर और सिस्टर लोगों का स्वागत करने का। चलिए आप लोग बने रहिए आज, ठीक है ना। ठीक है। तो अभी दिखलाते हैं, खूब अच्छी तरीके से संतों को सजाया हुआ है। मेन आज क्या है, ये अल्फोंसा का ना, संत अल्फोंसा का पर्व है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग मतलब कि और तीन और जो संत हैं, जैसे संत इग्नाशियस, उसके बाद में जोन बियानी और क्लेर, सबका आज पर्व मनाएंगे और स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में चार संतों का एक साथ त्यौहार मनाते हैं। बचपन में मैंने पढ़ा था, एक किताब आती थी कैटेगरी क्लास में, संतों की जीवनी। शायद आजकल तो उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ाया जाता था कि संत भी हमारी तरह ही इंसान थे, जो इस दुनिया में आए, इस दुनिया में जन्म लिए और इस दुनिया की सारी कठिनाइयों और दुख का सामना किए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आज हम उनको संत बोलते हैं। Oh,
है। केवल जो संत छुपा हुआ हमारे अंदर उसको ढूंढ कर निकालना है, उसको उसको आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है। और अगर हम उस जो संत हमारे अंदर छुपा हुआ है अगर हम उसको ढूंढ कर निकाल लेते हैं, अनुभव करके निकाल लेते हैं, तो सच में जो भी हम छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी कार्य करते हैं, बड़े कार्य हैं छोटे कार्य हैं, जो भी कार्य करते हैं सब क्या है, ईश्वर का कार्य है। सबसे पहले तो हम जो भी एफसीसी सिस्टर्स हैं, फादर जेनी हैं और सिल्वेस्टर हैं और हमारे फादरगण, उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। और हम सब क्या कर रहे हैं, उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने कंधों पर लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये चारों संतों का त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि ये संत जॉन बियटे क्या है, हमारे पवित्रों के रक्षक संत हैं। और संत इग्नासियस क्या है, यीशु समाज के संस्थापक हैं। संत क्लेर क्या है, एफसीसी कॉन्ग्रीगेशन की संस्थापक है। और संत अल्फोंसा एफसीसी कॉन्ग्रीगेशन की खुद सिस्टर है। इसलिए आज क्या है, हमारे जीवन को थोड़ा झांक कर देखने की जरूरत है। आज मैंने शुरू में कहा कि चार चार संत बहुत बड़ा त्यौहार है, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, चारों संत हमें क्या कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। इसलिए आज हमारी बहुत ही मिन्नत से मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है कि आप अपने परिवार में ईश्वर को जानने की चेष्टा करें और अनुभव करने की चेष्टा करें, कोशिश करें। और जैसे फादर ने भी कहा कि 10 मिनट कम से कम आप बैठिए परिवार के साथ और मनन करिए, चिंतन करिए। एक एक शब्द में बहुत ताकत है, जो हमारे जो ईश्वर की जवानी है बाइबल में, एक एक शब्द में अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, बहुत ताकत है। उस ताकत को अनुभव करें और जब आप उस ताकत को अनुभव कर लेंगे ना, जीवन एकदम ही अच्छी तरह से चलेगा, पवित्रता के माध्यम से चलेगा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को है कि आप भले रहें, चंगे रहें और ईश्वर को अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद फादर अरुण मिंज, आपके शब्द हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक रहते हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर जेंसी से आग्रह करूंगा कि सामने आकर कृपया दो शब्द बोलिए। आदरणीय पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित, रेवरेंड फादर अरुण और द फादर सिस्टर्स और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी माता पिता भाई बहनों और बच्चों, सबों को हम सभी फादर्स एंड सिस्टरों की ओर से जय यीशु खुश पर्व। तो मैं सर्वप्रथम आज इन चारों संतों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमें इन चारों संतों को हमारे बीच से ही संत की पदवी देकर, हमारे अभी संतों की पदवी देकर उन्हें हमारे लिए मध्यस्थ करने के लिए दिया है। आज के इस दिन को बहुत ही सुंदर और भक्तिमय बनाया है, तो मैं इसके लिए फादर को तहे हृदय से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को जिन्होंने इस विशव पूजा में भाग लेकर और हम सबों के लिए प्रार्थना करके हम सबों को और अपने जीवन को आगे बढ़ने में प्रेरणा दी है। मैं आप सबों को भी तहे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, हम सबों की ओर से धन्यवाद देती हूँ। और सब प्रोग्राम खत्म हो गया और सिस्टर फादर लोगों से सब मिलते जुलते हुए खुश परब बोलते हुए, मेरा बेटा सबसे मिल रहा है, सब संतों से, है ना। खड़ा हो जाओ, एक बार खड़ा होइए बेटा, खड़ा होइए। खूबसूरत तरीके से हाँ संतों का जो फोटो है उसे सजाया गया है।
उधर में पीछे में है संतों का फोटो, संतों की ओर से सबको शुभकामनाएं और जय जय। अलग अलग समय में है लेकिन हम लोग सब इकट्ठा मिलकर सभी संतों का पर्व मना रहे हैं, यही बात है। अब चलिए नाश्ता करने के लिए, चलिए हम सोचे ना इधर आ रहे इधर चलिए। खुश पर्व बोले फादर, खुश पर्व, जय यीशु, खुश पर्व हमारे छोटे फादर। चलिए अब चलिए नाश्ता मना के फादर सब पर्व मना रहे, सब मिल के पारिस पर्व नहीं है, पारिस पर्व है, संतों का पर्व है, पर मिल के मना रहे हैं। चलिए चलिए, बाहर बहुत धूप है तो नाश्ता के लिए सब कोई अपना अपना लेकर के इधर बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जिसको जैसी सुविधा हुई, और सिस्टर फादर लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता के लिए, है ना। खुश पर्व, खाली खुश पर्व, जय जीशु खुश पर्व, जय जीशु खुश पर्व, जय नाश्ता ना लागे, जय जीशु खुश पर्व। मैदान में सारी व्यवस्था की गई है, सारे लोग इधर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नाश्ता। हाँ, क्या क्या मिला? अच्छा अच्छा, चलिए। और इधर जिस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, जिसको जैसी सुविधा और जैसी इच्छा, सारे लोग अपना जैसु जैसु खुश पर्व खुश पर्व। अरे तो आप लोग बड़े फटाफट खा रहे हैं। चलिए इनसे गायब थे ना, तो इधर में जोसेफ, हाँ, और इधर मरियम कहाँ था? मरियम बगल में। बगल, ओ अच्छा, मरियम इधर इस साइड, सेटिंग गड़बड़ हो गया। हाँ जैसे बोलिए था मरियम, हे प्रभु, और तब तो इधर जोसेफ की तरफ बात करते हैं, इधर जोसेफ और रजिता। चार संत का पर्व मना रहे हैं, खुशी में ये हम लोग लंगर लगाए, लांगर, हाँ लंगर लगाए हुए हैं। चलिए आप लोग आइए, भरपेट खाइए और जाइए जाइए, और ईश्वर का गुणगान करते रहिए। चलिए थोड़ा एक नजर घुमा के मैं दिखा देती हूँ। हाँ तो बहुत कोई ले लिए हैं, और अभी हम लोग बहुत कोई लाइन में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, लाइन में लगे हुए हैं लांगर पाने के लिए, है ना। हाँ चलिए, इधर भी है सब, सॉरी, हाँ सबको दिखा दे रहे हैं। हाँ और एक लाइन इधर में लगी हुई है। चलिए आप लोग लांगर लेने के लिए बिना थाली का खड़े हैं। मम्मी, मम्मी अंदर में, मम्मी के लिए लेके जाते। अच्छा मम्मी को तो वहीं से दिला देते अंदर। और इधर हम लोगों का टीम ग्रुप बोलना चाहिए, इधर बाबू देखो, हाँ ये देखो, हम लोग सब नाश्ता कर रहे हैं। जय जीशु तो बोलिए रे बाबा। हाँ जय जीशु बोलिए। चलिए चलिए चलिए, ठीक से खींचे, शांति अल्फोंसा का बराबर, सबको खुश पर्व बोलिएगा। और चर्च के बाद वापस आ गए हैं, है ना, नाश्ता वगैरह वहाँ मिल गया था। तो चलिए इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। कई दिनों से गिरजा नहीं गए थे इसलिए पता ही नहीं था कि आज सभी संतों का पर्व मनाया जा रहा, तो सॉरी रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई अंदाज के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।